हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर 16th चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसकी हम पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है डीलिंग विद गार्बेज आपके साथ डिस्कस किया था और उसकी जो है कुछ एक्टिविटीज़ भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। और इसके बाद में इसी वीडियो में हम लोगों ने वर्मी कंपोस्टिंग को भी आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अब आज जो है हम लोग यहाँ से जो है अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, थिंक एंड थ्रो। तो इसमें देखेंगे हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन ओनली बाय ईच हाउस एवरी डे, कि हर एक घर से कितना गार्बेज हम लोग रोज जो है वो फेंकते हैं। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग ए बकेट। अब इसको अंदाज से पता लगाने के लिए कि कितना गार्बेज हम फेंकते हैं, इसके लिए एक जो 5 to 10 liter की बकेट लेंगे और उसमें जो है गार्बेज को डेली जो है उसमें कलेक्ट करेंगे कुछ दिनों तक। इन हाउ मेनी डेज डज द बकेट बिकम फुल, और ये देखेंगे कि कितने दिनों में जो ये बकेट हमने ली है वो फुल हो जाती है। यू नो द नंबर ऑफ मेंबर इन योर फैमिली, और आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं और कितने दिनों में ये बकेट फुल हो जाती है। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, और इसी के हिसाब से हमारे सिटी में या हमारे टाउन में कितने लोग हैं और उनका जो है कितना गार्बेज कलेक्ट होगा उसको जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ द गार्बेज एवरी डे, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो गार्बेज का है एक माउंटेन जो है पूरा रोज का रोज तैयार हो जाता है। लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। तो यहाँ पे अभी हम एक जो है गांव की स्टोरी आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें कि वहाँ पे कम से कम गार्बेज निकलता है और लोग जो हैं बहुत ही अच्छे से रहते हैं। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे नानू स्टडी इन क्लास 6, नानू जो है क्लास 6 में पढ़ता है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन, और उसको जो है पेपर के जो है प्लेन बनाना बहुत पसंद है, और उसकी जो माँ है इस बात से बहुत नाराज रहती हैं उसकी इस पेपर के जो टियर करता है अपनी नोटबुक से। बट नानू डज नॉट केयर, लेकिन उसको किसी भी की भी परवाह नहीं होती है, वो अपने जो पेपर फाड़ने वाली जो एक्टिविटी है उसको वो कंटिन्यू रखता है। एक बार क्या होता है, वंस नानू वेंट टू हिज आंट विलेज, एक बार जो है नानू है वो अपने आंट के विलेज में जाता है अलॉन्ग विथ हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ। ही वॉज अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ थिंग्स इन हिज कज़िन श्याम हैड मेड, और वहाँ जाके वो देखता है कि उसका जो कज़िन श्याम था उसने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप से जो है बनाई थी। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट से उसने फाइल्स बनाई थी, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे, डेकोरेटिंग विद फ्लावर, और उसको फ्लावर से डेकोरेट किया था, मेड फ्रॉम पेंसिल सेविंग, जो कि फ्लावर जो है उसने पेंसिल को जब शार्प करते हैं उससे बनाए थे, मैट फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ, और पुराने कपड़ों से मैट्स वगैरह बनाई थी, बास्केट फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन, और जो है ओल्ड जो है पॉलीथीन बैग्स थे उससे उसने जो है बास्केट वगैरह बनाई थी। वेयर सम ऑफ आइटम नानू लाइक्ड, जिसमें से बहुत से आइटम जो है नानू को पसंद भी आए थे। श्याम हैड इवन मेड ए डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड, और उसने जो है एक डायरी भी जो है इनविटेशन कार्ड से बनाई थी। वंस मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर, और एक सुबह जो है वो अपनी नानी के पास जाता है। ही सॉ दैट ही वॉज अप्लाइंग ए थिक पेस्ट ऑन द बास्केट, और वो देखता है कि उसकी जो नानी है एक बास्केट के ऊपर जो है एक थिक पेस्ट लगा रही होती हैं, और वो नानी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ दिस पेस्ट, और वो नानी से पूछता है कि नानी आप ये क्या कर रहे हो और ये पेस्ट क्या है। दिस इज़ पेपियर मेशे, तो उसकी नानी बताती हैं कि इसको हम पेपियर मेशे बोलते हैं, ए पेस्ट मेड फ्रॉम क्ले, जो कि एक तरह का पेस्ट है जो किससे बनाया है, क्ले से, एंड पेपर इन विच आई हैव आल्सो मिक्स्ड सम राइस हस्क, और ये जो है इसमें जो है कुछ राइस हस्क भी जो है हमने जो है इसमें मिक्स की हैं। नानी उसको जवाब देती हैं, बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, तो नानू उनसे पूछता है कि नानी आप इसको जो है बास्केट में क्यों लगा रही हैं।
टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, तो नानी उसको जवाब देती है कि इसको जो है और ज़्यादा बास्केट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सेड नानी एंड एडेड वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी, तो नानी उससे कहती हैं क्या तुम इसको जो है पेपर मेशर को जो है हमसे बनाना सीखोगे, लेकिन नानू को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो बाहर खेलने के लिए चला जाता है। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टेयरिंग पेपर्स टू मेक प्लेन्स, और उसको सिर्फ पेपर को फाड़ के सिर्फ प्लेन बनाना ही पसंद आता है। इनफैक्ट ही आल्सो स्टार्टेड टेयरिंग अप पेपर फ्रॉम सैम्स फाइल, और यहाँ पर भी सैम की फाइल से भी वो पेपर फाड़ के जो है प्लेन्स बनाता रहता है। तो सैम क्या करता है, सैम कलेक्टेड ऑल द पीसेस ऑफ पेपर्स नानू हैड यूज्ड, जो उसने फाड़ के पेपर फेंके होते हैं, पेपर के पीसेस फेंके होते हैं नानू, जो सैम जो है उसको सारा का सारा कलेक्ट करता है। वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनी वन, और जो नानू है वो अपना काम जो है करता रहता है और वो किसी का भी समझाने से उसको समझता नहीं है। इट्स वॉज नानूज बर्थडे इन फ्यू डेज, और कुछ दिन के बाद नानू की जो है बर्थडे आती है। सैम प्लान टू इनवाइट नानूज फ्रेंड, और सैम जो है नानू के फ्रेंड को बुलाने की प्लानिंग करता है। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट, और जो नानू है अपने जो मिट्टी का जो गुल्लक होता है उसमें से जो है मनी लेता है एंड वेंट टू द मार्केट, और बाजार जाता है और वहाँ से जो है अपने फ्रेंड्स के लिए पेपर की हेड्स लाता है। ही आस्क्स द शॉपकीपर, और फिर वो शॉपकीपर को जो है पॉलीथीन बैग्स मांगता है, लेकिन शॉपकीपर जो है उसको पॉलीथीन बैग ना दे करके उसको जो है पेपर का बैग देता है। नानू आल्सो ब्रॉट मेनी अदर आइटम, नानू जो है और भी बहुत सारे आइटम खरीदता है अपनी बर्थडे के लिए, जैसे बिस्किट्स टॉफी। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैरी ऑल दिस थिंग्स एज नो शॉपकीपर वर रेडी टू गिव पॉलीथीन बैग, और इन सभी सामान को घर तक लाने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि कोई भी शॉपकीपर जो है उसको पॉलीथीन बैग देने को तैयार नहीं होता है। सैम हैड टोल्ड हिम टू कैरी ए क्लॉथ बैग विथ हिम एंड ही वॉज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम, सैम ने जब वो मार्केट सामान लेने के लिए जा रहा होता है तो सैम उसको जो है कहता है कि जो कपड़े का बैग लेकर अपने साथ जाओ जिसमें कि सारा सामान तुम आसानी से ला सकते हो, लेकिन वो सैम की बात नहीं सुनता है। और ही मैनेज टू रीच होम विथ ऑल हिज परचेज, और इस तरह से किसी भी तरह से प्रॉब्लम के साथ वो जितनी भी चीज़ें उसने खरीदी थी वो घर तक लाता है। नानू फ्रेंड्स एंजॉय द फीस्ट, अब बर्थडे पे जो नानू के फ्रेंड आते हैं पार्टी में जो है उसकी बर्थडे पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं। ऑल हिज फ्रेंड वर साइनी पेपर्स हेड्स नानूज ब्रॉट, और जो जितने भी फ्रेंड हैं वो साइनी पेपर्स की जो कैप्स होती हैं उसको जो है लगाते हैं। सैम्स हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर में से मास्क फॉर नानूज फ्रेंड, और जो सैम है वो अपने हाथों से जो है पेपर में से मास्क जो है बनाता है। ही हैड ए स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल, और ये जो है नानू की बर्थडे का स्पेशल गिफ्ट होता है, ए फोटो फ्रेम एंड ए ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीसेस और पेपर नानू हैड थ्रोन अवे, और जो नानू ने फाड़ के पेपर फेंके होते हैं उससे जो है सैम फोटो फ्रेम बनाता है, उसके लिए ग्रीटिंग भी जो है बनाता है। ऑल हिज फ्रेंड वेंट होम विद देयर मास्क, और सारे फ्रेंड जो हैं अपने घर जाते हैं और अपने मास्क को जो कि उसने सैम ने बनाए होते हैं वो उनके पास होता है। नानू वॉज सो एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट, नानू को जो है बहुत एक्साइटमेंट होता है और वो अपने मील को खाने को ख़त्म करता है क्योंकि उसको गिफ्ट क्या आया है उसको देखने की बहुत इच्छा होती है। नानू रिटर्न होम, नानू जो है अपने घर आता है आफ्टर हिज हॉलीडे वर ओवर, जब उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं तो वो गांव से अपने घर को वापस आ जाता है। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वाज फ्रॉम सैम विलेज, तो वो ये देखता है कि उसका जो टाउन था वो सैम के विलेज से कितना अलग होता है। देयर वाज नो रैग पिकर्स इन द विलेज, रैग पिकर्स कौन होते हैं, जो कचरे से कुछ कुछ सामान को बीनते हैं, तो गाँव में इस तरह का कोई भी रैग पिकर्स नहीं होता है। एज इट वॉज नीट एंड क्लीन, क्योंकि जो गाँव होता है वो बहुत ही साफ सुथरा होता है। बट नाउ ही स्टॉप मेकिंग फेसेस वेन ही सॉ द रैग पिकर्स चिल्ड्रन नियर हिज हाउस, जो जैसा कि पहले जब वो रैग पिकर्स जो बच्चों को कुछ भी सामान कचरे से बिनता हुआ देखता था तो वो फेस बनाता था मुँह बनाता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहा होता है। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस, आपने देखा होगा कि कुछ जो है गरीब बच्चे जो है गार्बेज से आपके घर के पास जो कचरा पड़ा होता है
उसमें से कुछ चीज़ें जो है भिन्न रहे होते हैं. ऑब्जर्व द चिल्ड्रन, उन बच्चों को देखिए एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज. और जो है वो क्या चीज़ें निकाल रहे हैं गार्बेज से उसको समझने की कोशिश करिए. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, एक्चुअल में वो जो है हमारी हेल्प कर रहे होते हैं. टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट वॉट डू दे डू विद द रबिस दे कलेक्ट. जो कचरे से वो सामान बीन रहे होते हैं, बच्चों से बात करके ये पता लगाएंगे कि वो इसका क्या करते हैं. वेयर डू दे टेक इट, और वो इसको कहाँ ले जाते हैं. डज ही सी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं. वॉट अबाउट हिज हर फ्रेंड, क्या उनके जो हैं कोई फ्रेंड्स भी हैं. इफ़ दे डोंट गो स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन, अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या कारण है जिससे कि वो स्कूल नहीं जाते हैं. कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या हम उन बच्चों की जो है पढ़ने लिखने में कुछ मदद कर सकते हैं. हैव यू एवर हेल्प एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर ग्लास एंड मेटल थिंग्स, जैसे कि हम लोग जो हैं अपने घरों से न्यूज़पेपर ग्लास मेटल की जो जितनी चीज़ें हैं प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक्स टू द गार्बेज डीलर, ये सभी जो है गार्बेज डीलर को हम लोग देते हैं. टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विथ ऑल दिस गार्बेज, ये जो गार्बेज जो हम उसको देते हैं वो इन सब चीज़ों का क्या करता है वो उससे हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे. वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम, जैसा कि श्याम जो है पुराने पेपर से नए पेपर को बनाता है, तो वुड यू लाइक टू मेक, क्या आप इसको बनाना पसंद करेंगे. तो लेट अस लर्न टू डू दिस, तो इसमें हम इसको बनाना देखेंगे कि इससे जो है पेपर किस तरह से बनाया जाता है. तो अब आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, की पेपर की रिसाइकलिंग जो है वो किस तरह से होती है इसमें देखेंगे. यू विल रिक्वायर पीसेस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसके लिए आपको जो है ओल्ड न्यूज़पेपर के कुछ पीसेस चाहिए होते हैं, और मैगजीन, यूज्ड एनवलप, नोटबुक और एनी अदर पेपर, इसमें किसी भी तरह का न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, यूज्ड एनवलप हो या नोटबुक हो, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इसमें जो है पेपर जो है साइनी या प्लास्टिक कोटेड जो है वो नहीं होने चाहिए. यू विल ऑल्सो नीड टू फ्रेम फिटेड विथ ए वायर मेस और नेट, और इसके लिए आपको जो है एक वायर मेस या फिर कोई भी नेट की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगी. यू कैन ऑल्सो यूज़ ए लार्ज साइज ऑफ साइज, और अगर आपके पास पेपर मेस नहीं है तो आप जो है बड़े साइज का जो है साइज का भी यूज़ कर सकते हैं प्लेस ऑफ ए फ्रेम, फ्रेम की जगह. टीयर द पेपर इंटू स्मॉल पीसेस, और इसको जो है रिसाइकलिंग करने के लिए पेपर को हमें छोटे छोटे पीस में जो है डिवाइड करना होगा. पुट देम इन ए टब और ए बकेट, और उसको किसी टब या बकेट में जो है डाल देना होगा और उसमें पानी भरना होगा. लेट अस द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज इन वाटर, और तब तक उसको भिगोना होगा जब तक कि सारे पेपर के जो पीस हैं वो पानी में जो है डूब जाए. मेक द थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाई पॉन्डलिंग इट, और इससे जो है हम पेपर का जो है थिक पेस्ट बनाएंगे. नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैस, और ये जो पेस्ट बनाया है उसको जो है वायर मैस या फिर जो हमने साइव ली है उसके ऊपर जो है फैला देंगे. और पेट इट जेंटली टू मेक थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल, और उस पेस्ट को उसके ऊपर फैला के उसकी जो सब तरफ से जो उसकी थिकनेस है वो बराबर हो जाए. ऐसा नहीं हो कि कहीं पे वो जो है ज़्यादा थिक हो और कहीं पे कम थिक हो, वो उसका जो थिकनेस है पूरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए. और तब तक हम वेट करेंगे जब तक कि उस पेपर जो हमने जो वायर मेस लिया है या फिर जो साइव लिया है उससे पूरी का पूरा पानी निकल नहीं जाए. इफ़ रिक्वायर्ड स्प्रेड ओल्ड क्लॉथ और सीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट, अगर ज़रूरत पड़े तो उसके ऊपर जो है कोई पुराना जो है क्लॉथ या फिर उसके ऊपर जो है सीट डाल देंगे. लेट इट सोक अप एक्स्ट्रा वाटर, जिससे कि उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सभी जो है उससे निकल जाएगा. नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, और फिर जो है सावधानी से फ्रेम से पेस्ट को निकाल लेंगे और इसको एक न्यूज़पेपर में फैला के सन के पास रख देंगे. और जो उसके न्यूज़पेपर के कॉर्नर है उसके ऊपर कोई हम प्रेस करने के लिए कोई वेट रख देंगे जिससे कि वो वहाँ से मुड़ ना जाए. यू कैन ऐड फूड कलर, अब इसमें जो है इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसमें हम फूड कलर मिला सकते हैं, ड्राई लीव्स भी मिला सकते हैं या फिर फ्लावर के पेटल्स भी मिला सकते हैं जिससे कि इसका जो है बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न में इस ये जो है रिसाइकिल होके तैयार होगा. कैन वी रिसाइकिल एवरीथिंग, क्या हम सारी चीज़ों को जैसे अभी हमने पेपर को रिसाइकिल किया है क्या हम सभी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं. तो अब इसमें हम देखेंगे प्लास्टिक बून आर क्रश, तो जो प्लास्टिक है ये हमारे लिए वरदान है या फिर
अभिशाप है, मतलब इसको हम देखेंगे. सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, कुछ तरह की जो प्लास्टिक है उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन सारी प्लास्टिक को जो है हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं. डिड यू नोटिस दैट पॉलीथिन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रॉट इन एक्टिविटी वन. जैसा कि अभी इसी चैप्टर में एक्टिविटी में वन में हमने देखा था कि सारी तरह की जो प्लास्टिक्स होती हैं वो रिसाइकिल नहीं होती हैं. यू माइट नाउ इजली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग क्रिएटेड बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल. तो इससे हमें समझ में आता है कि जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो जो हैं डिस्पोजल में, गार्बेज डिस्पोजल में जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक. बगैर प्लास्टिक की अगर हम अपनी लाइफ को सोचें तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, क्योंकि हमारी लाइफ में हम देखते हैं हर जगह जो है प्लास्टिक का यूज़ हुआ होता है. सेल वी लिस्ट ए फ्यू थिंग्स, तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें वो हो सकती हैं जो कि प्लास्टिक की हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि टॉयज हैं, शूज, बैग्स, पेंस, कॉम, टूथ ब्रश हैं, बकेट है, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स. द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग. तो यहाँ पे अभी हमने कुछ चीज़ों का नाम लिया है, लेकिन अगर इसकी लिस्ट हम बनाएं तो बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे. कैन यू नेम ए फ्यू पार्ट ऑफ बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एंड ए स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. और हम अपने व्हीकल में भी देखेंगे कि बसों में, कारों में और हमारे रेडियो, टेलीविज़न में, रेफ्रिजरेटर में भी बहुत से पार्ट हैं जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं. द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच प्रॉब्लम. तो जो प्लास्टिक का यूज़ है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है. प्रॉब्लम अराइजेस, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? व्हेन वी यूज़ प्लास्टिक एक्सेसिवली एंड आर इग्नोरेंट अबाउट ways of disposing their waste. और इसकी प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब उसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है यूज़ करते हैं एंड आर इग्नोरेंट अबाउट द वेस्ट, और ये उसको इग्नोर करते हैं कि उसको जो डिस्पोजल में जो उसकी प्रॉब्लम आती है. दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है. वी माइट हैव इवन बी एक्टिंग इरेस्पॉन्सिबल, मतलब इस बात के लिए हम बिल्कुल भी इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जबकि हम इस चीज़ों को जानते हैं कि जो है प्लास्टिक का अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है. वी ऑफन यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम, हम अक्सर जो है पके हुए अपने कुक्ड फूड आइटम को रखने के लिए प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हैं. समटाइम दिस बैग में नॉट बी suitable for keeping a table consuming food packed in such a plastic bag. कभी कभी जो इन प्लास्टिक में हम खाने को रखते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. मेनी ए टाइम्स शॉपकीपर यूज़ प्लास्टिक बैग दैट हैड बीन यूज्ड अर्लियर, और कभी कभी जो दुकानदार हैं वो ऐसी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं जिसका वो पहले से भी यूज़ कर चुके होते हैं. समटाइम्स बैग कलेक्टेड बाई रैक पिकर्स आर ऑल्सो यूज आफ्टर वॉशिंग दैम, और कभी कभी जो रैक पिकर्स वगैरह होते हैं जो कचरे से पॉलीथीन बैग लेते हैं उनको भी जो है वॉश करके यूज़ में लाया जाता है. यूज़ ऑफ सच ए रिसाइकल प्लास्टिक बैग टू कीप फूड आइटम कुड बी हार्मफुल, और इस तरह के प्लास्टिक बैग्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं और हमारी हेल्थ को भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं. फॉर सॉर्टिंग ए टेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट वन यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग दैट आर अप्रूव फॉर सच यूज़. अगर हम इटेबल्स मतलब खाने की चीज़ के लिए प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी प्लास्टिक की चीज़ होनी चाहिए जिसके के लिए उस वो अप्रूव्ड हो, मतलब उसको उसमें खाना रखने से ख़राब नहीं हो रहा हो और वो सिर्फ वन टाइम यूज़ हो. ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेस, और जितनी भी तरह की जो प्लास्टिक हैं वो जो है गिव आउट हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग और बर्निंग, जब उनको हम हीट या बर्न करते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जो हैं रिलीज होती हैं. दीज गैसेस में कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, और ये जो हार्मफुल गैसेस हैं ये हमारी हेल्थ प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती हैं, जैसे कि कैंसर वगैरह की जो बीमारी हैं वो इसी से होती हैं. इन ह्यूमन द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, और जो गवर्नमेंट ने भी है इसके लिए हमारे लिए गाइडलाइन बनाई है कि प्लास्टिक को हम लोग किस तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं. यहाँ पे एक पहली का कॉलम दिया हुआ है. पहली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कंटेनर यूज फॉर स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंस शुड बी रिसाइकिल्ड सेपरेटली एंड दैट सब रिसाइकिल पेपर आर नॉट यूज फॉर मेक प्लास्टिक बैग. जो ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसमें कि पॉइजनस सब्सटेंस वगैरह रखे होते हैं उनको जो है शुड बी रिसाइकिल, उनको जो है बिल्कुल अलग से जो है रिसाइकिल करना चाहिए. और इस वाली प्लास्टिक का जिस जो कि पॉइजनस सब्सटेंस वाले कंटेनर से बनाई गई है उसका जो है प्लास्टिक बैग बनाने में यूज़ नहीं करना चाहिए. यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन
फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रोन देन थ्रो इट अवे. आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग हैं वो प्लास्टिक के बैग में जो है खाने की चीज़ें रखते हैं और उसको जो है फेंक देते हैं. व्हेन स्ट्रे एनिमल्स लुक फॉर फूड इन दिस बैग, और जब जो जानवर हैं सड़क के जब इन बैग्स में खाने की चीज़ों को देखते हैं तो वो जो है उसको प्लास्टिक के बैग के साथ ऐसे ही जो है निगल लेते हैं, खा लेते हैं, और कभी कभी इससे उनकी डेथ भी हो जाती है. द प्लास्टिक bags thrown away carelessly on road and other places get into drains and sewer system. तो जो इस तरह से जो प्लास्टिक बैग्स हैं जो रोड वगैरह में केयरलेसली जो फेंके जाते हैं वो जो ड्रेन वगैरह में फंस जाते हैं और सीवर को जो है चोक कर देते हैं. एज ए रिजल्ट ड्रेन गेट चोक, जिससे कि क्या होता है ड्रेन जो है उसमें प्लास्टिक भर जाने के कारण चोक हो जाते हैं. एंड वाटर स्पिल्स ऑन द रोड, और जो वाटर है वो रोड के ऊपर फैलने लगता है. ड्यूरिंग हैवी रेन इट माइट इवन क्रिएट फ्लड लाइक सिचुएशन, और जब बारिश वगैरह का जब सीजन आता है तो ये बाढ़ जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है. देयर इज़ ए लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैन डू. अगर हम प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं. व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज. तो प्लास्टिक का हम कम से कम किस तरह से यूज़ करें और गार्बेज के साथ किस तरह से डील करें, उस पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. वी मेक ए मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग, हमें जो है कम से कम प्लास्टिक बैग का जो है यूज़ करना चाहिए. वी रीयूज द बैग व्हेन एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट. जो है प्लास्टिक का जो है रीयूज़ भी करना चाहिए, और लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा. अब सेकेंड पॉइंट है, वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज़ पेपर बैग. अब शॉपकीपर को हमको जो है इस बात के लिए इंसिस्ट करना चाहिए कि वो हमको पेपर का बैग दे पॉलीथीन बैग की जगह. वी कैरी ए क्लॉथ और जूट बैग, और इसके अलावा हमको अपने साथ जब भी कुछ भी हम खरीदने जा रहे हैं तो अपने साथ क्लॉथ का या जूट का जो है बैग लेना चाहिए जब हम शॉपिंग के लिए जा रहे हो. फिर थर्ड पॉइंट है, वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर टेबल्स. खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए हमें प्लास्टिक के बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए. वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग हियर एंड देयर आफ्टर यूज, और प्लास्टिक का बैग यूज़ करने के बाद हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जो कि ड्रेन वगैरह में फंस के जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम. कोई भी प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक के आइटम को हमें बर्न नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि उससे जो है पॉइजनस गैस जो है रिलीज़ होती हैं जो हमें हमारे लिए जो है हार्मफुल होती हैं. इसके बाद फिर सिक्स पॉइंट है, वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे. प्लास्टिक बैग में गार्बेज को रख के हमें फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो एनिमल्स वगैरह रोड पर होते हैं वो प्लास्टिक बैग के साथ ही उस खाने को खा लेते हैं, जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है. फिर सेवन पॉइंट है, वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ अवर किचन वेस्ट यूजफुली. बहुत से जो किचन के जो फ्रूट या वेजिटेबल्स के जो पील्स वगैरह होते हैं, जैसा कि हमने इस चैप्टर में अपने पहले वीडियो में पढ़ा था, उसको जो है हमें गार्बेज में नहीं फेंकना चाहिए, उसको जो है वर्मी कंपोस्टिंग बनाने में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम अपने गार्बेज को भी कम कर सकते हैं. वी रिसाइकिल पेपर, हमें पेपर को भी रिसाइकिल करना चाहिए, अभी हमने पीछे जैसा कि डिस्कस किया. फिर नाइन्थ पॉइंट है, वी यूज़ बोथ साइड ऑफ पेपर टू राइट. पेपर के जो है दोनों तरफ हमको लिखना चाहिए. यूज़ ब्लैंक सीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन अवर नोटबुक फॉर रफ वर्क. जो साइड में जो ब्लैंक जगह होती है उसको जो है नोटबुक में रफ वर्क करने के लिए यूज़ करना चाहिए. टेंथ पॉइंट है, वी मेक अवर फैमिली फ्रेंड एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट. जो हमारे फैमिली फ्रेंड और जो लोग हैं उनको जो है ये समझाना चाहिए कि जो है प्रॉपर प्रैक्टिस किस तरह की होनी चाहिए गार्बेज को जो है फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट. अलग अलग तरह के जो वेस्ट होते हैं उनकी डिस्पोजिंग करने के लिए हमारी किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए. थिंक अबाउट सम मोर वे टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड डिस्कस. और जो हम प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरह से कम करें उसके बारे में भी हमको और सोचना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज दैट मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ इट. तो
इससे हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो, इससे हमें एक बहुत ही जो है ज़रूरी पॉइंट जो है जानने को मिलता है कि जितना ज़्यादा गार्बेज हम जो है निकालेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है मोर डिफ़िकल्टी इट बी एबल टू, उससे जो डिफ़िकल्टी होगी उससे बाहर आने में हमको उतनी ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होगी। तो ये जो चैप्टर है हमारा ये अभी यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमारे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।